आज के अपने इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कुछ डिफरेंट फिशेस आई हुई थी एक्चुअल में मेरे पास, तो मुझे लगा उसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना चाहिए और उसका वीडियो बनाना चाहिए। तो इसके लिए मैं उस फिश के बारे में दिखा रहा हूँ। इस फिश का नाम है अकारा बोलते हैं, बट ये इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा है और ये चिचिल फिश का ग्रुप होता है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड फिशेस में होती है। और इस फिश की जो एक स्पेशलिटी होती है वो काफ़ी लंबे समय तक ये जिंदा रहती है, मतलब करीब ये 20 साल तक आपके एक्वेरियम में लाइव रहेगी। और इसका जो कलर है वो हो सकता है आप मेरे कैमरे पे सही तरीके से नहीं देख पा रहे होंगे, बट जो इसका ये कलर है वो एकदम से बहुत ही डिफरेंट ब्लू है। और इसकी शाइनिंग जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे कि मछली में जैसे नियॉन टेट्रा में चमक होती है, उससे भी डिफरेंट चमक है और उससे भी अच्छी। और इसके साथ में जो मैंने मछलियाँ रखी हुई हैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, रेड पैरेट है, रेड पैरेट के साथ में आप लोग देख सकते हो ग्रीन टेरर भी है, आप लोग देख सकते हैं इनके साथ में ये काफ़ी अच्छे से रह रही है। एक्चुअल में एग्रेसिव होती है बट ये इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती कि हर फिशेस को परेशान करेगी, जैसे कि गुरामी तक के साथ में रह रही हैं और काफ़ी अच्छे से रह रही हैं। ग्रीन टेरर के साथ में भी रह रही है, गुरामी के साथ में भी है, पैरेट के साथ में भी है और इसमें कुछ टेक्सा भी पड़ी हुई है उनके साथ में भी ये रह रही है, आप लोग देख सकते हो। तो अगर आप लोग इन्हें कुछ कम्युनिटी टैंक के साथ में रखना चाहते हैं बट आपका टैंक का जो साइज होना चाहिए वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, मिनिमम जो है 30 गैलन का होना चाहिए, मतलब कि मिनिमम 30 से 50 गैलन तक का एक्वेरियम का यूज़ कीजिए, उसी पिन मछलियों को रखना चाहिए क्योंकि चिचिल फिशेस हैं, थोड़ा सा इनको घूमने फिरने के लिए स्पेस चाहिए। जैसे आप लोग देख रहे हो कि मैंने जिस टैंक पे रखा हुआ है, इस टैंक की आप लोग साइज़ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी है। शायद ये मेरा कैमरा भी कवर नहीं कर पा रहा है, मेरे को कितना दूर जाना पड़ रहा है, कितना पीछे आना पड़ रहा है, तब जाके आप लोग इस फिश की सारी फिशेस आप लोगों को दिख रही हैं। और इस पर मैंने एक लाइट यूज़ की है जो पूरी ब्लू कलर की है जो कि बीच में लगी हुई है और एक वाइट कलर की नॉर्मल लाइट लगी हुई है। और जिस एक्वेरियम मैंने रखा हुआ है 6 फिट का एक्वेरियम है और जिसका फीड होता है इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा का, ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आई हुई है, ये नॉर्मल चिचिल फिश फूड खाएगी और या ब्लड वॉर्म श्रिम्प वगैरह भी इसे खिला सकते हैं। और ये एकदम से अगर आप छोटी मछली और गोल्ड फिश के साथ में नहीं रहेंगे तो ये टेट्रा ग्रुप की जो फिशेस होते हैं जिनकी साइज बड़ी हो, मतलब इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, तो ये उसके साथ में रह लेगी। एक्चुअल में ये बड़ी पेसफुल और बड़ी थोड़ा सा एकदम शांत टाइप की चिचिल फिश है, मतलब एकदम शांति के साथ रहना पसंद करती है, बहुत भीड़ में भी नहीं रहना चाहती, मतलब अलग ही इसका बिहेवियर और अलग ही इसका नेचर और व्यवहार अलग ही है। तो ये कैमरे तक को देख के एकदम से उसे छुपने की कोशिश करती है कि कैमरे में इसकी फोटो ना आ जाए, मतलब ऐसा उसे लगता है कि मछलियों को भी कोई देख रहा है ना, थोड़ा सा मछलियाँ भी नहीं चाहती हैं कि उन्हें कोई देखे। लेकिन ये जब से इस टैंक में डली हुई हैं करीब कुछ दिन हो गए हैं तब से किसी भी फिश को परेशान नहीं की है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो गुरामी फिश तो बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होती हैं और आप सभी की सभी गुरामी देख सकते हो, इतनी छोटी सी रेड पैरेट है इनके आगे तो, और ये सब की सब एकदम नॉर्मल और शांत तरीके से रह रहे हैं। अब मैं इनके लिए आपको एक्वेरियम का टेम्परेचर बता देता हूँ कितना होना चाहिए। अगर आप लोग इस तरीके का कम्युनिटी टैंक और फिशेज रखना चाहते हो तो आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उस क्योंकि ये एक्चुअल में अफ्रीकन फिशेज होती हैं, अफ्रीकन चिचल्स होती हैं, ये गर्म पानी की मछलियाँ होती हैं और इनके लिए जो फिल्टर का यूज़ करना होगा वो काफ़ी अच्छा फिल्टर का क्वालिटी होना चाहिए, जिसमें चाहे आप कॉर्नर फिल्टर का यूज़ कीजिए, सम्प का यूज़ कीजिए और या तो किसी ऐसे फिल्टर का यूज़ कीजिए जिसमें सिरेमिक रिंग्स वगैरह और कार्बन वगैरह हो, और मतलब कि थोड़ा सा बड़ा फिल्टर हो, मतलब आपके पानी का फिल्ट्रेशन एकदम से अच्छे तरीके से हो, इसमें ये ना हो कि आपके पानी में अमोनिया वगैरह की मात्रा ज़्यादा हो जाए और मछलियों को प्रॉब्लम हो जाए, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये मेरा हिसाब से, मैं जब फिश का मूवमेंट्स वगैरह देख रहा हूँ, आप लोग भी अगर ध्यान से देखेंगे, इस फिश का बिहेवियर सभी मछलियों से अलग होता है इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा का। और इसके बारे में मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा भी था तो मैंने वहाँ पर भी पढ़ने को पाया था कि इसकी सबसे खास बात है वो इसकी जो एज को लेके थी, और साथ साथ में इसमें ये बड़ी पेसफुल मछली होती है। तो आप लोगों को अगर ऐसी कोई मछलियाँ रखना चाहते हैं और ऐसा कोई कम्युनिटी टैंक बनाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप लोग रीवा मध्य प्रदेश से हैं तो मेरे पास आ सकते हैं डायरेक्ट, और मेरे से कोई भी एक्वेरियम की एक्सेसरीज खरीद सकते हैं। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के साथ, नए डिफरेंट फिशेस के साथ, उनके बारे में कुछ जानकारियों को लेके अगर आप लोग जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कई सारी लिंक दी हुई हैं, आप लोग वहाँ पे जरूर जाइएगा और उन लिंक्स को ओपन करके थोड़ा सा देखिएगा। और चैनल में पहली बार ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे कस्टमर्स के पास में ये वीडियो पहुँच जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।